हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ एक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि झटपट से बन जाती है। ब्रेड और मलाई से हम इसे बना के तैयार करेंगे। घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप इसको बना सकते हैं। टेस्ट में एकदम लाजवाब है। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो इंस्टेंट आप उसे बना करके इसे आप सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे किसी पार्टी या फिर दावत में भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है। आप इसे एक बार इफ्तार में भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूध ले लेंगे। 2 कप दूध लिया है, इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के लिए चीनी। चीनी यहाँ पे हम 4 से 5 चम्मच इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। तो ये 4 से 5 छोटे चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अगर कम मीठा पसंद है तो कम चीनी आप डालें इसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच के करीब मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत लाजवाब सी आती है। अब इसको बॉयल होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 छोटे चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर में हम 1/4 कप दूध मिला लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ दूध है, ठंडा है दूध है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे दूध लेना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हम इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में मिक्स कर लेंगे। तो इसमें से बिल्कुल लम्स को आपको रिमूव कर लेना है पहले, और लम्स फ्री बना करके दूध में ऐड कर लें। और अब इसको धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है आपको। 2 से 3 मिनट आप इसे पका लीजिए जिससे कस्टर्ड पाउडर भी थोड़ा सा पक जाए। तो 2 मिनट के लिए पकाना बहुत रहता है इसमें। कस्टर्ड को हमने 2 मिनट के लिए पका लिया है, ये अच्छा सा थिक हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पहले हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पर रख देंगे, उसके बाद हम इसको जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हम इसे फ्रिज में रख देंगे जिससे ये और ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिए 6 ब्रेड के स्लाइस, और इन ब्रेड के स्लाइस के हम साइड्स को यानी कि एजेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कैंची की हेल्प से इसको कट कर ले रही हूँ। इस तरीके से चारों तरफ से इसके एजेस को कट कर लेंगे। आप एजेस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन कट कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने रेसिपी जो है ब्रेड से बनाई है। तो बस ये मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। सारे ब्रेड को हम इसी तरीके से काट लेंगे। तो सारे ब्रेड्स के एजेस कट कर लिए हैं, और ये बचे हुए जो एजेस हैं इनको आप मिक्सी में चला के ब्रेड क्रम्स बना के किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ठंडा हो गया कस्टर्ड। इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते, वो डाल करके इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो बस इसको हम रख देते हैं अभी साइड में। और यहाँ पे मैंने एक और बाउल ले लिया, इसके अंदर हम थोड़ी सी मलाई ऐड कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच मलाई ले लीजिए। और यहाँ पर ये दूध के ऊपर जो मलाई निकलती है वही मलाई मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2 से 2.5 चम्मच के बराबर मलाई है। इसमें हम 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसमें एकदम खोए जैसा, मावे जैसा टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी डाल लेंगे 1 चम्मच भर करके, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक, ये हमारी मलाई अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो बस इसी तरीके का टेक्सचर हो जाना चाहिए मलाई का। बाद एक और काम हमें करना है। यहाँ पे लेना है हमें 1/4 कप के बराबर दूध। ये ठंडा दूध है, रूम टेम्परेचर पे उबाल करके और फिर ठंडा कर लिया है। इसमें 1 चम्मच पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। चीनी को आप मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच डाल के मीठा दूध करके अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे। और यहाँ पर हमने ले लेने हैं ये ब्रेड। जो ब्रेड हमने एजेस काट के रखे थे इसके ऊपर हमें लगानी है वो मलाई जो हमने मिल्क पाउडर और चीनी मिला के रखी हुई है। तो इस तरीके से मलाई लगा लेनी है। 3 ब्रेड के ऊपर हमें ये मलाई लगानी है, और 3 ब्रेड जो रह जाएंगे उनको एक एक करके इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो 3 ब्रेड के ऊपर मलाई लगा करके दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख देना है आपको। तो यहाँ पे 3 ब्रेड के ऊपर हमने मलाई लगा ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से, 4 पार्ट में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको 4 तीनों ब्रेड को काट लेना है। तो यहाँ पर हमारे ब्रेड जो है मलाई लगा के हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसको असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ले लिया एक कांच का डिश ले लिया है, इसके अंदर हम ये असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मीठा जो दूध बना के रखा था उस दूध के अंदर हम इस ब्रेड को डिप कर लेंगे। अच्छी तरीके से डिप करिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस ब्रेड के अंदर। और इसको जैसे चाहे आप वैसे इसमें असेंबल कर लीजिए, वैसे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको रख रही हूँ दूध में भिगो के। इसके ऊपर हमने जो कस्टर्ड बना के रखा था ठंडा करके वो ऐड कर देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटे हुए पिस्ता
और बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। एक एक इसमें हम ऊपर से जाफरान के धागे भी ऐड कर देंगे, इससे लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये रेडी कर लिया। बहुत ही जल्दी आसानी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आप इसे इफ्तार में ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत ही मज़े की ये बनती है। आप इसे इस तरीके से असेंबल करके या तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दें या फिर ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।